नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 60 लोगों की भगदड़ में मौत हुई। दिल दहला देने वाली इस घटना में दोष अभी तक तय नहीं हो पाया है। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी के हाथरस रति भानपुर में भोले बाबा के सत्संग में अचानक से भगदड़ मच गई। सत्संग खत्म होते ही भगदड़ मच गई। डीएम के मुताबिक भगदड़ में 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज़्यादा घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच करवाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। मृत लोगों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। सीएम योगी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। उधर खड़गे ने श्रद्धालुओं के मौत की खबर को दुखद बताया। प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी ने भी हादसे को दुखद बताया। राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मौत पर खेद जाहिर किया और दुखद बताया। चीफ मिनिस्टर योगी ने हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। इस पूरे मामले में आखिर गलती किसकी है? सत्संग में जाने वाले लोगों की, सत्संग कराने वाले लोगों की, या प्रशासन की लापरवाही से ये इतना बड़ा हादसा हो गया है? राहुल ने कहा, हिंदू हिंसक होते हैं। प्रधानमंत्री ने सोमवार के भाषण के लिए राहुल गांधी को जवाब दिया, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू धर्म में हिंसा के तत्व या संदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के संसद भाषण पर रिपोर्ट, आगे देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इधर उधर की बातें की। राहुल गांधी के सोमवार के प्रभावशाली भाषण के बाद ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आहत हो गए थे। ये भी लग रहा था कि राहुल के भाषण के तत्व को स्वीकार करने में असमर्थता और उसका जवाब देने में अक्षमता की वजह से प्रधानमंत्री संदर्भ से बाहर जाकर राहुल के बयान को गलत ढंग से पेश करते रहे। राहुल गांधी को गलत ढंग से रखने का दोष नरेंद्र मोदी पर जाता है। कहा गया कि राहुल ने कहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं, जबकि राहुल ने कहा था कि हिंदू धर्म में हिंसा के संदेश नहीं हैं। राहुल ने हिंदू धर्म पर भी नहीं, बीजेपी पर आरोप लगाया था। बीजेपी और आरएसएस को हिंदू धर्म का आचरण नहीं करने वाला बताया। कहा था कि ये लोग हिंदू धर्म की परवाह नहीं करते और सिर्फ नफरत और सिर्फ नफरत का वितरण करते रहते हैं। नेहरू के समय पर और अतीत पर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी समय दिया। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कई दफा संदर्भ के बाहर चले गए। कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। के पाठक के संदर्भ में खबर। शिक्षा के अपर मुख्य सचिव बनने के एक साल के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने राजस्व विभाग में पद ग्रहण नहीं किया। के पाठक शिक्षा विभाग से हटाए जाने को पसंद नहीं कर रहे हैं। एक साल के अंदर ही उन्होंने कई सुधार लाए थे। के पाठक छुट्टी बढ़ा सकते हैं। बिहार के चर्चित अधिकारी के पाठक की लंबी छुट्टी की अवधि 30 जून को खत्म हो गई। छुट्टी से लौटने के बाद 1 जुलाई से उन्हें नए पद स्थापना स्थान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बतौर अपर मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करना था, मगर सोमवार 1 जुलाई को उन्होंने अपना नया दायित्व नहीं संभाला। ऐसे में के पाठक को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि पिछले महीने ही नीतीश सरकार ने उन्हें शिक्षा विभाग से हटाकर उनका राजस्व एवं भूमि सुधार में तबादला किया था। उनकी जगह एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का ACS बनाया गया था। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश सरकार ने के पाठक को शिक्षा विभाग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भेज दिया था। हालांकि छुट्टी पर रहने के चलते अब तक उन्होंने नया पद नहीं संभाला है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि के पाठक ने खुद फ़ोन कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अपनी नेम प्लेट हटवा दी थी। इसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या के पाठक अपने ट्रांसफ़र को लेकर नीतीश सरकार से नाराज़ चल रहे हैं। झारखंड के सभी संवैधानिक पद 3 हफ्ते में भर लिए जाएंगे। रांची हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट ने घोषणा की है, खाली पदों को भर दिया जाएगा। सुनिए प्रवक्ता एडवोकेट को।
झारखंड उच्च न्यायालय में आज न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ में संवैधानिक पदों की रिक्तियां को भरने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने यह आश्वासन दिया कि 3 सप्ताह के भीतर सभी पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। सरकार का पक्ष वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने रखा। रांची हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए 6 अगस्त का समय निर्धारित किया गया है। झारखंड राज्य के विभिन्न संवैधानिक पदों पर रिक्तियों से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई आज माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ में हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष राज्य के विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि अगस्त माह में सभी रिक्तियों में भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। पटना के प्रतिबंधित क्षेत्र में राजद दफ्तर से 200 लोगों का प्रोटेस्ट मार्च गार्डनर रोड से जेपी गोलंबर तक पहुंचा। आरजेडी बिहार के आरक्षण कोटा को बढ़ाने संबंधी कानून को लागू करने की मांग कर रही है। 75% कोटा को अपना मौलिक अधिकार बताने वाली तख्ती प्रदर्शनकारियों के हाथों में थी। झारखंड की ये दूसरी खबर है। सहायक पुलिस जवान सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। वर्षों से 10,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट जॉब पर सहायक पुलिस जवान काम कर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। झारखंड के राज्य भर से लगभग 2500 जवान मंगलवार को राजधानी रांची के मुरादाबादी मैदान में जमा होकर आंदोलन पर हैं। बता दें कि सहायक पुलिस के जवान रांची में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं। झमाझम बारिश के बावजूद सहायक जवान डटे रहे हैं। पुलिस के जवान पिछले 7 वर्षों से सहायक के रूप में 10,000 रुपये के मासिक मानदेय पर नौकरी कर रहे हैं। राज्य में पुलिस जवानों की कमी है, उनकी सेवा पुलिस सेवा में समायोजित की जाए। 2017 में भी झारखंड के नक्सल प्रभावित 12 जिलों में सहायक पुलिस के जवानों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हुई थी। पूरे राज्य में 2500 के करीब जवानों की नियुक्ति की गई थी। सहायक पुलिस के जवान का अनुबंध प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाता है। हम सभी भाई बंधु चतरा जिला से हैं। चतरा जिला सहायक पुलिस बल से हम सभी 250 जवान हैं और हम लोग को ये तीसरी बार आंदोलन करने आना पड़ रहा है, क्योंकि ये तीसरी बार ऐसा है कि हम लोगों को छला गया सरकार के द्वारा। हम अपनी विभिन्न मांगों के लिए यहाँ पर 3 बार अपना धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई हम लोग के प्रति किया नहीं जा रहा है। यही कारण है कि हम लोग को इस बार भी धरना दिया जा रहा है। मांग की तो सूची बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो हम लोग के लिए सबसे अत्यधिक ज़रूरी है, जो कि हम लोग अभी विगत 7 वर्षों से करते आ रहे हैं कार्य, वेतन। क्योंकि वेतन इतना बड़ा मुद्दा है कि हम लोग का शुरुआती दौर से 10,000 वेतन पर हम लोग कार्य कर रहे थे। आज महंगाई के दौर पर हम लोग इतने साल तक अभी कार्य कर चुके हैं, लेकिन इसमें 1% भी कभी भी किसी प्रकार का कोई भी वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। हिंडनबर्ग ने सेबी के द्वारा कारण बताओ नोटिस पर आपत्ति की है। हिंडनबर्ग ने पिछले साल अडानी ग्रुप की हेराफेरी पर जांच की थी। हिंडनबर्ग ने पिछले वर्ष अडानी ग्रुप के स्टॉक की हेराफेरी और इसके खाते में गड़बड़ी की जांच की थी। हिंडनबर्ग के जांच रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही अडानी समूह को $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। भारत की संस्था सेबी ने जब हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया, तब इसका जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने कहा है कि इस नोटिस के माध्यम से सेबी धनी लोगों के हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। हिंडनबर्ग ने सेबी के द्वारा कारण बताओ नोटिस पर आपत्ति की है। हिंडनबर्ग ने पिछले साल अडानी ग्रुप की हेराफेरी पर जांच की थी। हिंडनबर्ग ने पिछले वर्ष अडानी ग्रुप के स्टॉक की हेराफेरी और इसके खाते में गड़बड़ी की जांच की थी। हिंडनबर्ग के जांच रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही अडानी समूह को $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। भारत की संस्था सेबी ने जब हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया, तब इसका जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने कहा है कि इस नोटिस के माध्यम से सेबी धनी लोगों के हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। अपराध की खबरों का बुलेटिन। चवन्नी नाम का एक शूटर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मार दिया गया। संदेह के आधार पर पुलिस ने रोका, तब उसने गोली चलाई। इनकाउंटर में पुलिस ने उसे मार गिराया।
1,00,000 की इनामी राशि वाला यह शूटर साबुद्दीन के ग्रुप में था। चवनी नाम के इस शूटर पर भाजपा नेता की हत्या का आरोप था। गया से बोधगया के रास्ते एक बाइक सवार की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। शशिकांत गुप्ता नामक इस व्यक्ति को फोन पर बोधगया पहुंचने के लिए कहा गया था। रास्ते में अपराधियों ने घात लगाकर उसकी हत्या कर दी। मुंगेर जेल के कैदी की इलाज के दौरान पटना में मृत्यु हो गई। मुंगेर जेल में दो कैदियों के बीच मारपीट के दौरान एक कैदी इलाज के लिए पटना आया था। मृतक के पार्थिव शरीर के मुंगेर पहुंचने के बाद उसके परिजन मुआवजे के लिए जमा हो गए हैं। शिवहर एक्सिस बैंक लूट में अपराधियों की पहचान में दिक्कत आ रही है। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद भी अपराधियों की पहचान नहीं हो पा रही है। मुंबई के शांत आश्रम से वसंत रजब की कुर्बानी को याद किया गया। वसंत रजब के शहादत दिन को मुंबई में गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुंबई सर्वोदय मंडल व मानवीय एकता ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया था। नफरत की राजनीति व नागरिक हस्तक्षेप विषय पर आयोजित इस गोष्ठी में प्रोफेसर डॉक्टर नीता साने प्रमुख वक्ता थीं। गोष्ठी की प्रस्तावना में जयंत दीवान ने वसंत रजब की शहादत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वसंत रजब गणेश शंकर विद्यार्थी जैसों की शहादत हमारी विरासत है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही आप अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।